अस्सलाम वालेकुम। कोस्ट अकाउंट यूनिट नंबर 1 है। इसके अंदर पांच फार्मूला आती है, जैसे कि आप जो फर्स्ट नंबर पे दिया है रीऑर्डर लेवल, तो रीऑर्डर लेवल पे क्या करने का, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर का मतलब क्या होता है कि एक बड़ी सी कंपनी होती है, वहाँ पे वो लोगों को क्या करना होता है कि बहुत सब माल वगैरह बनाना होता है, उसके लिए रॉ मटेरियल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो कितने कितने टाइम के अंदर हम लोग को रीऑर्डर करना पड़ेगा, उसका बोलते हैं रीऑर्डर लेवल कहते हैं। सेकंड नंबर की फॉर्मूला है मिनिमम लेवल, बराबर। तो मिनिमम लेवल का मतलब क्या था कि भाई कंपनी के अंदर मिनिमम हमारे को कितना रॉ मटेरियल रखना चाहिए, उसके बारे में है, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड करेंगे, बराबर है। ये रीऑर्डर लेवल कौन सा लेने का, देख ऊपर जो फर्स्ट नंबर का जो हम लोग ने जो लिया है गाने, फर्स्ट नंबर का जो आंसर आया, सपोज समझ ले कि भाई ये फर्स्ट नंबर का आंसर तुम्हारा आया है, जैसे कि ये यहाँ बाजू जो रीऑर्डर लेवल का आंसर सपोज समझ लो कि भाई 50,000 रुपये आया, वही 50,000 को फिर हमारे को यहाँ पे जो रीऑर्डर लेवल है ना वो रख देने का, फिर उसमें से माइनस करने का, क्या माइनस करने का, एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बर। इसके बाद थर्ड नंबर की फॉर्मूला है मैक्सिमम लेवल, तो मैक्सिमम लेवल में भी वही करने का, यहाँ स्टार्टिंग रीऑर्डर लेवल का जो तुम्हारा आंसर आवे ना रीऑर्डर लेवल का, वही रीऑर्डर लेवल का आंसर तुम्हारे को यहाँ पर लिख देने का, तो उसमें क्या करने का, मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस करने का रीऑर्डर क्वांटिटी। ये खाली तुम लोग को फॉर्मूला याद रखने की है, हर चीज तुम्हारे को क्वेश्चन के अंदर दे देंगे, ये खाली पांच फॉर्मूला तुम्हारे को याद रखने के। फोर्थ नंबर पे क्या आता है, डेंजर लेवल आता है। तो देख डेंजर लेवल की फॉर्मूला क्या, एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज का, ये चार फॉर्मूला है। पांचवें नंबर की फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक में क्या करने का, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल। मिनिमम लेवल मतलब क्या, ये देखिए थर्ड नंबर, ये जो सेकंड नंबर का जो है ना, सेकंड नंबर की जो फॉर्मूला उसका जो आंसर आवे ना उसको उठा के डायरेक्ट यहाँ बाजू मिनिमम लेवल के अंदर रखा, और यहाँ बाजू जो है ये मैक्सिमम लेवल, बर ये मैक्सिमम लेवल जो तीसरे नंबर का है ना, तीसरे नंबर का आंसर उठा के यहाँ बाजू रख देने का, फिर दोनों का टोटल करने का, डिवाइड बाई 2 करने का, तो एवरेज स्टॉक मिल जाएगा। ये पांच इसकी क्या है, ये फॉर्मूला है, ये खाली पांच फॉर्मूला तुम्हारे को याद रखने की है। हर साल पेपर के अंदर 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स में तो कंपलसरी आता ही है ना, अमुक बार 7 मार्क्स में भी आता है। इसको पर हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्स देखो, जैसे कि यहाँ पर जो तुम लोग को क्वेश्चन दिया है, देख क्वेश्चन में सब चीज़ दे दिए कि भाई मैक्सिमम कंजम्पशन है 12,000, मिनिमम कंजम्पशन है 4,000, नॉर्मल मतलब उसको दूसरा का बोलते एवरेज कंजम्पशन वो हैगा 8,000, रीऑर्डर क्वांटिटी हैगी 48,000, ने टाइम रिक्वायर फॉर डिलीवरी तेरे को दे दिया है मिनिमम 4 वीक, ने मैक्सिमम 6 वीक दे दिया है, बराबर, ने मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज 2 वीक दे दिया। ये पूरे का पूरा क्या हैगा क्वेश्चन है, ये यहाँ तक का क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन में अपनों को बोला है कि भाई पांचों पांच फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो अपनों को अपनों पांचों पांच फॉर्मूला सबसे पहले क्या करेंगे, लर्न कर देंगे, और ये पांचों पांच फॉर्मूला अपनों ने क्या कर दी कि लिख दी, बराबर ना। जैसे मैंने यहाँ पर जो पांचों पांच फॉर्मूला लिख दिए, जैसे अपनों ने पीछे देखा ना, रीऑर्डर लेवल मिनिमम मैक्सिमम डेंजर लेवल एवरेज स्टॉक, ये सब अपनों ने लिख दिया। तो देख यहाँ पर जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई रीऑर्डर लेवल, तो रीऑर्डर लेवल में क्या चाहिए, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में अपनों को दे दिया है मैक्सिमम कंजम्पशन 12,000, बर है, तो ये 12,000 रुपये ले लेने के, ने मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो देख यहाँ पर जो दिया है टाइम रिक्वायर फॉर डिलीवरी, बर है, वहाँ जो देख मिनिमम 4 वीक है, ने मैक्सिमम है 6 वीक, तो यहाँ पर जो अपनों क्या बोला है मैक्सिमम, तो यहाँ मैक्सिमम है कितना 6 वीक का, तो हम लोग क्या करेंगे ये 6 वीक ने ऊपर के कितने 12,000, तो 12,000 इंटू 6, बर है, तो कितना आ गया 72,000, ये तुम्हारे को इसका आंसर मिला रीऑर्डर लेवल का। अब सेकंड नंबर में है मिनिमम लेवल, तो मिनिमम लेवल में हम लोग क्या करेंगे कि भाई ये जो रीऑर्डर लेवल का जो आंसर अपना आया ना 72,000, वो 72,000 को यहाँ पर जो रीऑर्डर लेवल पे लिख देंगे माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो देख एवरेज कंजम्पशन जिसको दूसरा क्या बोलते हैं नॉर्मल कंजम्पशन, देख ऊपर दे दिया 8,000, बर तो एवरेज कंजम्पशन के बदले हम लोग 8,000 रुपये रख देंगे, ने एवरेज रीऑर्डर पीरियड, देख पीरियड यहाँ दिया है टाइम रिक्वायर फॉर डिलीवरी, मिनिमम है 4, ने मैक्सिमम कितना आएगा 6,
यहाँ पर उनको एवरेज बोला। एवरेज का मतलब क्या होता हैगा कि दोनों के बीच का वक्त, बीच का बराबर है। तो देख यहाँ बाजू है 4 वीक, नहीं यहाँ बाजू है 6 वीक, तो दोनों के बीच वाला क्या आएगा 5 वीक आवे। बराबर, यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम दे दिया, हम लोग को एवरेज नहीं दिया गया। तो इसके लिए हम लोग एवरेज निकालेंगे कि भाई 4 वीक और 6 वीक उसका एवरेज, तो 4 + 6 / 2 तो कितना आएगा 5। बराबर, फिर से बोलता हूँ, रीओडल लेवल में 72,000 ऊपर का जो आंसर है वो एवरेज कंजम्पशन में बजू 8,000 रुपये जो तुम्हारे को दे दिए वो, और एवरेज रीओडर पीरियड। तो भाई यहाँ जो तुम्हारे को टाइम दिया है 4 वीक ने 6 वीक, तो 4 + 6 = 10, 10 / 2 तो यहाँ कितना आएगा 5। बराबर है, समझ पड़ी? तो देख 72,000, फिर यहाँ बजू 8 × 5 तो 8 × 5 = 40, 72 में से 40 गए तो 32 आया, तुम्हारे को इसका आंसर मिल गया मिनिमम लेवल का। उसी तरीके से मैक्सिमम लेवल के अंदर, तो भाई यहाँ बाजू तुम्हारे को दे दिया रीओर्डर लेवल, रीओर्डर लेवल यहाँ बाजू देख ऊपर तुम्हारे को अपनों ने जो आंसर देगा ना 72,000 वो यहाँ बाजू उठा के रख देने का। फिर मिनिमम कंजम्पशन, देख मिनिमम कंजम्पशन यहाँ बाजू दे दिया 4,000 रुपये ऊपर क्वेश्चन के अंदर। बरा फिर एक मिनिमम रीओर्डर पीरियड, तो देख टाइम रिक्वायरमेंट के अंदर मिनिमम पीरियड 4 वीक दे दिया गया, तो 4 लगा देंगे प्लस रीओर्डर क्वांटिटी, या जिसको दूसरा क्या बोलते हैं ईओक्यू भी कहते हैं। देख रीओर्डर क्वांटिटी ईओक्यू क्वेश्चन के अंदर 48,000 दे दिया, सब चीज खाली तुम्हारे को उठा के खाली रख देने की, दूसरा कुछ करने का नहीं है। प्लस माइनस भागाकार गुणाकार बराबर सब करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 1,04,000, ये तुम्हारे क्या मिलेगा मैक्सिमम लेवल। इसके बाद एक फॉर्मूला है डेंजर लेवल, तो डेंजर लेवल में क्या आएगा एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीओर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी पीरियड। एवरेज कंजम्पशन, तो देख एवरेज कंजम्पशन यहाँ पे जो तुम्हारे को दे दिया है, नॉर्मल कंजम्पशन कहूँ उसमें क्या दिया है एवरेज कंजम्पशन 8,000, तो यहाँ पे जो 8,000 रख देने का। ने मैक्सिमम रीओर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज, देख ऊपर यहाँ पे जो था तो जो मिनिमम रीओर्डर पीरियड या एवरेज रीओर्डर पीरियड या मैक्सिमम रीओर्डर पीरियड दिखाया था, पर ये क्या आएगा मैक्सिमम रीओर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी पीरियड। देखिए क्वेश्चन में सबसे लास्ट में दिया है मैक्सिमम रीओर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज इज इक्वल टू 2 वीक, बराबर। यहाँ बाजू 2 वीक वो लगा देगा। एवरेज कंजम्पशन कौन सा लगाओगे, यहाँ बाजू ऊपर दिया 8,000 वो, और मैक्सिमम रीओर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज 2 वीक, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8,000 × 2 कितना आ जाएगा 16,000 रुपये। फिफ्थ नंबर में तुम्हारा आता आएगा एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक में क्या करेंगे भाई मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। तो एक मिनिमम लेवल का मतलब क्या होता है, जो दूसरे नंबर का आंसर आया ना, दूसरे नंबर का आंसर वो कितना है 32,000, तो मिनिमम लेवल का ले लेंगे 32,000 और मैक्सिमम वो कितना आएगा 1,04,000। तो 32,000 प्लस 1,04,000 डिवाइड बाय 2, 32 + 104,000 तो 1,36,000, 1,36 डिवाइड बाय 2 कर देने का बराबर है, तो 68,000 तुम्हारे को मिल जाएगा। बस ये खाली 5 फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में आए, तुम 5 फॉर्मूला लर्न कर लो ने तो सब चीज अंदर तुम्हारे को दे दी, खाली उठा के तुम्हारे को रख देनी है, दूसरा कुछ हैगा नहीं।